अब एक साल में सत्रह तो जोड़ा बनता है आपकी ये दूसरा और ये तीसरा। इस जोड़े में केवल तीन को देखते हैं, तीन का आ रहा है इसके पीछे, ये तीन आ रहा है तो क्या हो गया आपके एक उत्तर सात हो गए। अब आगे से दो अट्ठावन है, ये कहाँ आता है, 258 आता है आपके इन दोनों के बीच में, 216 और 343 के बीच में आता है 258, तो उत्तर क्या आ गया आपके 6। 258 ये इन दोनों बीच में आया तो उत्तर क्या आ गया आपके 6 आ गया। अब बीच वाला नंबर कहाँ है वो हम पहली बार यहीं पर देखेंगे कौन सा नंबर है। तो पहले 6 है तो आएगा 6 तीन बार, 6 दो बार, 6 एक बार, यहाँ आगे तीन से गुणा करेंगे, यहाँ भी तीन से गुणा करेंगे। अब आपको ये वाला चार यहाँ उतारना, ये सात यहाँ उतारना, ये चार इसके आगे, ये आठ यहाँ उतारेंगे, ये पांच यहाँ पर उतारेंगे और लास्ट का जो तीन है वो यहाँ उतारेंगे। अब छह की घात तीन होता है 216, अब 216 माइनस कर देंगे ये आता है आपके 42, 36 इंटू तीन ये होता है 108। अब इसको गुणा करना है, अगर मैं चार से गुणा करूं तो 32 और ये होता है 4, ज्यादा हो गए, हम क्या लेंगे तीन ही लेंगे, तो तीन लेंगे एक बार। पहले इसको इसे गुणा करना है 36 इंटू तीन 108, 108 को इस ऐसे तरीके से गुणा करना है कि इससे आगे नहीं जाए और आगे भी बाद में कभी भी माइनस में नहीं उतर आया घटाने पर। इंटू तीन एक बार, तीन दो बार और तीन कितनी बार आया तीन बार, ये तीन हथियार लेंगे। अब आपके ये दो उत्तर आपके आ चुके हैं, 6 आ चुका है, 3 आ चुका है। अब क्या करेंगे इस 63 को हम यहां लिखेंगे, ये तीन ये तो आया तीन बार, अब कितनी बार आएगा आपके दो बार, फिर यहाँ आएगा आपके एक बार, आगे लिखेंगे तीन, यहाँ भी तीन, अब पीछे उत्तर सात दे रखा है तो सात यहाँ पर एक बार, सात यहाँ पर दो बार और सात यहाँ पर तीन बार। अब ये गुणा करो, तीन से गुणा करेंगे तो आठ या 24, तीन एकम तीन ये हो गया 324, घटाएंगे तो 100, यह होता है तीन या नौ तो 27, 27 इंटू 6 ये होता है 162, घटाओ माइनस 1007 ये आ गया आपके 845। तीन की घात तीन ये दे रखा है 27 तो ये आ गया 84, 27। अब यहाँ पर 63 इंटू 7 21 ये होता है आपके 83,349 माइनस 84,278 ये आ गया आपके 929। अब सात गुणा में 7 और 49 7 × 7 = 63 × 3 ये होता है आपके 9,261। ये चार और ये तीन घटाएंगे सात की घात तीन कितना होता है 343 और ये आ जाएगा आपके पीछे लास्ट में 0 ऑटोमेटिक। यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इसमें 22 ही है केवल। अब देखो पीछे सात से क्या बनता है, पीछे सात हो तो बनता है तीन, ये आ गया तीन, आगे 22 है। अब इसमें पूरा नंबर देखेंगे 22, 22 कहाँ आता है 8 और 27 के बीच में, उत्तर इन दोनों बीच में आता है, उत्तर कौन सा होगा आपके ऊपर वाला, मतलब इसके सामने दो, ये घन है और ये घन मूल है मेन इधर, तो आपकी या जाए मूल। अब यहाँ बीच में क्या आएगा उसके लिए बाद में ही। अब इसके लिए क्या है, इससे पहले हम दो आया है, दो कितनी बार तीन बार, दो दो बार, दो एक बार, आगे क्या आएगा यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन। अब ये जो छह है यहाँ उतार लेंगे, ये वाला छह यहाँ उतार लेंगे, ये वाला जो पांच है यहाँ उतारेंगे, ये एक है जो यहाँ उतार लेंगे, आठ यहाँ आ जाएगा और सात आपके यहाँ आ जाएगा। अब आपके दो की घात तीन होती है 8, घटाएंगे तो जब बच गया 14, दो दूनी चार, चार क्या 12, 12 आगे 12 को किससे गुणा करें कि संख्या 146 के पास चले जाए, तो उसके लिए आपको जब 10 से गुणा करें तो भी कम पड़ जाएगा, 10 नहीं तो क्या लेंगे 9 लेंगे, 10 तो कभी ले नहीं सकते, 11 12 नहीं लेना है, एक एक नंबर लेना है क्योंकि हमारे पास दो नंबर ऑलरेडी है, बीच में एक नंबर ही कम है, तो वो क्या ले लेंगे हम 9 ले लेंगे,
9 कितने होते हैं 108। अब 9 यहाँ भी लेना है और 9 यहाँ भी लेना है और 9 यहाँ भी लेना है, और ध्यान रखना है उत्तर माइनस का नहीं चला जाए। तो घटाएंगे 146 माइनस 108 ये हो जाएगा 38। अब ये 9 नौ में 81 इंटू 6 ये आ जाएगा 486 माइनस चला गया। हम क्या लेंगे यहाँ पर 8 लेंगे, ये सारे कैंसिल, 9 लेंगे क्या लेंगे हम यहाँ पर 8, ये आ जाएगा आपके 8। और 8 लिया है तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 या 12, 12 आटा 96 घटाएंगे तो 146 माइनस 96 ये आ जाएगा 50, 64 आटा 64 इंटू 3 दूनी 6 ये आ जाएगा 384 माइनस 506 ये आ जाएगा 122, 8 की घात 3 ये होता है 512, 1225 माइनस 512 ये आ गया 713। अब आगे क्या आएगा, हमारे पास 7 आ गया, 2 आ गया और 8 भी आ गया, अब कितने हो गए हमारे पास 28 हो गए। 28 यहाँ कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। 28 यहाँ पर कितनी बार, 1 बार, और यहाँ आगे 3, यहाँ भी आगे 3। अब यहाँ कितना नंबर आएगा, हमने पहले निकाल रखा है 3, तो 3 एक बार, 3 दो बार और 3 तीन बार आ जाएगा। अब ये गुणा करेंगे 28 इंटू 28 इंटू 3 यह आ जाएगा 2352। माइनस कर देंगे 7131 यह आ जाएगा 4779। 28 इंटू 9 28 इंटू 28 इंटू 9 28 इंटू 28 इंटू 9 यह आता है 7056 घटाने में गलती, माइनस 7131 यह आ जाएगा 75। अब यहाँ है 327 इंटू 28 यह आ जाएगा 756 घटाएंगे तो 2 3 की घात 3 कितना होता है 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा पीछे 0 आ जाएगा। प्लीज सर, अब है आपके क्वेश्चन 19, इसमें ये आपके पीछे वाले में केवल 5 है, 3 जोड़े हैं 1 2 और 3, इसमें आपके पीछे 5 है, उत्तर ऊपर क्या आ जाएगा 5, आगे 8 है, 8 क्या बनता है 2। अब बीच में क्या आएगा उसके इधर उठना पड़ेगा, ये 2 है तो 2 3 बार, 2 2 बार, 2 1 बार, आगे गुणा करेंगे हम 3 से, 1 2 3 4 3 4। अब है आपके 2, अब ये क्या करेंगे, ये जो 6 है हम यहाँ उतार लेंगे, ये जो 1 है हम यहाँ उतारेंगे, 5 को यहाँ पर पुट डाउन करेंगे, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ और 5 को यहाँ करेंगे। अब आपको ये 2 2 4 है, 4 के 12, 12 से गुणा करेंगे 6 से आगे नहीं जाए, 1 से किया तो भी 12 हो जाएगा, हम क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे, 0 एक बार, 0 दो बार, 0 तीन बार, और फिर आपके हो जाएगा 0 ये आ गया, अब कितना हो गया आपके 20 हो गए, 20 दो बार, 20 एक बार, यहां भी आगे गुणा करेंगे 3 से, यहां भी गुणा करेंगे 3 से। अब है आपके यहां कितना आएगा, पीछे 5 है तो 5 एक बार, 5 दो बार और 5 तीन बार, अब 2 की घात 3 8 घटाएंगे तो यहां 0, क्या मतलब 0 था इसलिए मैंने तो बोल दिया, 2 2 4 4 के बाद, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा, ये 6 उतार लेंगे फिर से 0, ये 61 उतार लेंगे फिर से 0, ये 615 भी उतार लेंगे, अब यहाँ पर 5 या 15 इंटू आपके हो गए 400, 6000, 151, 25 75 75 इंटू 20 लगभग 1500, ये 12 उतार लेंगे, 5 की घात कितना होता है 125, लास्ट में क्या आ जाएगा आपके 0, अब ये वाला
इसमें देखेंगे वन, वन किसमें आता है आपके, वन वन में ही आता है, तो ये पिछला उत्तर आ गया वन। अब आगे में देखेंगे 660 पूरे, उसमें देखते हैं क्यों लास्ट नंबर, इसमें देखते हैं अगला वाला 660 का आएगा आपकी, 660 का आता है इन दोनों के बीच में, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके, ये वाला सात क्या दे रखा है 8। अब ये नंबर बीच में गायब है, वो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अब ये पूरा पूरा काम लेंगे और 7 को यहाँ भेज देंगे, अगले वाले 7 को यहाँ पर, फिर 6 को यहाँ पर, 3, 1 और सबसे लास्ट में अभी 1। अब 8 की घात 3 होती है 500 बार, तो यह 8 लिखेंगे 3 बार, 8 2 बार, 8 1 बार, आगे गुणा करेंगे 3 से, यहां भी गुणा करेंगे 3 से, 8 की घात 3 होती है 500 बार, घटाओ तो आएगा आपके 48, 100 बार कैलकुलेटर देगा था। अब आपके ये है 8 64 64 × 3, ये हो गया आपके 192। किससे गुणा करें आगे नहीं जाए, अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 960 होते हैं, अगर मैं इसको इसको 8 से गुणा करता हूँ तो 1536 होता है, 192 × 7 से गुणा करो, 7 से इतनी रकम आती है, 7 करेंगे तो संख्या आती है 1300 जाती है, इससे कम हम क्या लेंगे, 7 1 बार 7 2 बार 7 3 बार, और ट्राई करके देखेंगे कि नंबर माइनस पर तो नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा आपके 1344 माइनस करेंगे 1487, ये आ जाएगा आपके 143 143। अब यहाँ आपके 50 × 24 11 10 के आ रहा है, माइनस 1437, ये आ जाएगा आपके 261, ये आ जाएगा 343, 2 6 1 6 माइनस 343, ये होता है आपके 2273। अब यहाँ आपके देखो 8 आ गया, अभी ये उत्तर क्या आया आपके 7 भी आ गया, तो कितना हो गया 87, तो यहाँ 3 बार आ गया, तो अब यहाँ कितनी बार आएगा आपके 2 बार, 87 1 बार, पीछे उत्तर 1 आया हुआ है, तो 1 यहाँ पर भी और 1 यहाँ पर भी, इसको भी गुणा करेंगे 3 से, इसको भी गुणा करेंगे 3 से, तो 87 × 87 × 3 ये होता है 22707 माइनस 22733, यह आ जाएगा 26, 87 × 3 261, घटाएंगे 0, 1 की घात 3 1 ही होता है, फिर क्या आ जाएगा आपके 0, तो आ जाएंगे 8 से उत्तर इसका 205।